अगर आप भी फिनटेक के दुनिया में जुड़े हुए हैं, जैसे सीएसपी एंड बीसी एंड एपीएस का काम लेकर के कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप बीसी या फिर सीएसपी एंड एपीएस का काम करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा बड़ा अपडेट आया है एनपीसीआई बैंक और यूआईडी के तरफ से। तो क्या है अपडेट, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी जानकारी के साथ आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, जानते हैं क्या क्या अपडेट 2024 के अंदर आया है एनपीसीआई और यूआईडी और बैंक के तरफ से। जितने भी बीसी हैं सभी के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। तो फिनटेक की दुनिया में अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या शर्तें और क्या क्या आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, तब आप यहाँ काम कर पाएंगे। सबसे पहले तो गाइस, 1 अप्रैल 2024 से टू इफेक्टिव वेरिफिकेशन का जो भी आप सफल या विफल होता है, यानी ट्रांजेक्शन फेल होता है या फिर सक्सेस होता है, उनमें से 1 रुपया चार्ज आपका काटा जाएगा, ठीक है। तो ये था ईजीपी की तरफ से, ये अपडेट दिया गया है कि आप जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से डेली टू इफेक्ट के सफल या विफल ट्रांजेक्शन पर बैंक चार्ज लगेगी। कितना लगेंगे, 1 रुपये से कम ही लगेंगे या फिर 1 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जहाँ तहाँ देखें तो टू इफेक्ट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने या सफल या विफल पे 1 रुपये चार्ज पे करना पड़े तो फिर फायदा नहीं है। तो जहाँ देखें कि बीसी और एपीएस के चालक के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होने वाला है। और दूसरा अपडेट ये है, अगर आप कोई भी कंपनी का एपीएस चला रहे हैं, फिनटेक के दुनिया में अगर आप काम कर रहे हैं, एपीएस का काम कर रहे हैं, बीसी का काम कर रहे हैं या फिर अकाउंट ओपनिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बायोमेट्रिक के जरिए जो भी काम करेंगे, सबका वो चौपट होने वाला है, सबका प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले से ही आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कौन कौन सा डिवाइसेस बंद किया जा रहा है एनपीसीआई और यूआईडी और बैंक के तरफ से। तो सबसे पहले जितने भी L0 का मॉडल, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, 1 अप्रैल से ही बंद होने वाला है। तो जितने भी आप L0 का भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो न्यू वर्जन का है, L1 या फिर L0 का न्यू वर्जन है जिसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो तुरंत बंद ना हो, लेकिन बंद होगा, 100% वो बंद होगा, ठीक है। तो L1 का जितने भी डिवाइसेस आप अगर लिए हैं तो चल रहा है आपका, तो वो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास L0 का डिवाइसेस हैं, L0 का मॉडल जो भी यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस, मॉर्फो, मंत्रा, सिक्विजन, कुछ भी डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सारा का सारा बंद हो जाएगा, L1 ही चलेगा। तो आपके पास L1 डिवाइसेस नहीं है तो परचेस कर लीजिए, अगर आपका न्यू वर्जन है, देखिए जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं तो कभी भी ये बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये था दूसरा अपडेट। और तीसरा अपडेट ये है, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम करते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बहुत बड़ा अपडेट है। जैसे कि इसमें अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, जो अब तो यहाँ एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और एक प्राइम अकाउंट है, तो दो तरह का अकाउंट आप खोलना शुरू हो गया और दोनों में अलग अलग कमीशन आप सभी को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है खुशी की बात ये है कि कोटक के साथ आप काम कर रहे थे तो इसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे तो 100 रुपये कमीशन इधर मिल रहा था आपको अकाउंट ओपनिंग करने का, और क्यूआर फंडिंग का भी कमीशन, डेबिट कार्ड इशू करने का भी कमीशन आपको मिल रहा था। लेकिन अब से एक और अकाउंट ऐड कर दिया गया है, प्राइम अकाउंट, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को ओपनिंग करेंगे तो इसमें आपको लगभग क्यूआर फंडिंग 5,000 से ऊपर करवाते हैं, तो आपको यहाँ 500 रुपये तक कमीशन हम लोग देने वाले हैं। लेकिन महीने में कम से कम 30 या 40 या 45 अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, तब आपको उतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हो दो को किए और कमीशन हमें 500 रुपये मिला, नहीं सर, नहीं। लगभग आपको 40 अकाउंट एक महीने में ओपनिंग करना है, 35 अकाउंट ओपनिंग करना, 35 या 36 अकाउंट ओपनिंग करके देना होगा, तब आपको 500 रुपये कमीशन मिलेगा उसमें। अगर ये नॉर्मल वाला ओपनिंग करते हैं तो 100 रुपये कमीशन जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा, क्यूआर फंडिंग जिस तरह मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा,
ठीक है। और चलिए, मैं सबसे बड़ी अपडेट तो कोटक महिंद्रा बैंक के एजेंटों को देने वाले हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो आपको पता है, अकाउंट ओपनिंग करते ही उसका केवाईसी वगैरह सबमिट करते ही उसका सीआरएन जो होते हैं तुरंत अपलोड कर दीजिए जीबी पार्टनर के अंदर। अगर नहीं करते हैं, अगर केवाईसी अप्रूव हो जाते हैं तो वहां सीआरएन नहीं दिखेगा, हट जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए जब आप अकाउंट ओपनिंग करो उसी टाइम केवाईसी करो, और उसी टाइम आप उनको जीबी पार्टनर के अंदर अपडेट भी कर दो, सीआरएन अपलोड भी कर दो। तो ये था गाइस कोटक महिंद्रा का सबसे बड़ा और अहम जानकारी। अगर आप इस वीडियो में कुछ समझ नहीं पाए तो वीडियो को थोड़ा फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले लें, तभी आप अकाउंट ओपनिंग कीजिए, नहीं तो आपको कमीशन भी नहीं मिलेंगे। हाँ, और एक चीज़ है कि अगर आपको रेलिगेयर डीजी पे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आपका पैन कार्ड की आईडी, आधार कार्ड की आईडी, अगर ये सब आपको चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट की आईडी सारा चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आईडी लेकर के आराम से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।